हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिजिटल। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करने वाले डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज डिपार्टमेंटल अकाउंट तो है ही है, साथ ही साथ फाइनल अकाउंट भी। फाइनल अकाउंट सर, हमने डिपार्टमेंटल में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, अब खाली बैलेंस शीट बनाने का है। सेम चीज है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इधर पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर अपटे, अ प्रोप्राइटर, अकेला ओनर है, सोल ट्रेडर हैविंग थ्री डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2030 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। ये सारी चीजें देखिए, मिस्टर अपटे कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। अरे हाँ, मालूम है ना, दिया नहीं है भाई, टेक्स्ट बुक रहेगा तो जरा टेक्स्ट बुक में अमाउंट देखो ना, कुछ दिया है क्या अपटे का कैपिटल? कुछ दिया है? 1 लाख रुपए, यस। यहाँ पे 1 लाख रुपीज नहीं दिया है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो भाई कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज में। ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स। इसके पहले ऐसा चीज नहीं आता था, खाली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का ही आता था, अब ये सारी चीजें आ गई है, ठीक है। तो अपना पहला काम होता था 12th स्टैंडर्ड, याद करो, पहला मार्किंग करते थे कौन सा चीज किधर, तो हमने मार्किंग कर लिया। अब एडजस्टमेंट रीड करते, स्टॉक इन ट्रेड ऑन 30 क्लोजिंग स्टॉक, किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। सैलरी आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो 40-30-30, एडजस्टमेंट है क्या? ये नहीं, इंफॉर्मेशन है कि सैलरी को कौन से रेशियो में डिवाइड करो, 40-30-30 अमंग ऑल द डिपार्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नहीं है। आगे, द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन द पोर्शन ऑफ 40-30-30, टेक्स्ट बुक में चेक करना क्वेश्चन, मैंने इधर लिखा है बट आपके सामने टेक्स्ट बुक रहेगा ना, तो उसमें क्वेश्चन चेक करना बराबर है क्या नहीं। आगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हुआ, नहीं मिल रहा है? अच्छा ठीक है, पुराना बुक रहेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन शॉर्ट देयर इज नो एडजस्टमेंट, एक ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग शॉप, बाकी सब इंफॉर्मेशन है, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते। अपटे कैपिटल 1 लाख कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट बना दिया है। कैपिटल कितना है? कैपिटल 1 लाख, इनर कॉलम में लिख लिया। अरे हाँ, उसके बाद क्या दिया है देखो, उसके बाद दिया है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000, 15,000, 10,000, तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन 20,000, 15,000, 10,000, टोटल कितना हो गया भाई ये 35, 45। अरे समझाइए, आगे क्या है बाबा? परचेज 90,000, 70,000, 50,000, तो परचेज, तो 2 परचेजेस गिवन 90,000, 70,000, 50,000, टोटल 2,10,000, क्या बात। आर्यन समझ में आया? आर्यन आगे क्या दिया बेटा? आगे दिया है सेल्स, कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? 1,75,000 और 50,000, बाय सेल्स गिवन 1,75,000, 50,000, 2,25,000। अभी तक मैंने फाइनल अकाउंट जैसा कुछ किया, डिपार्टमेंटल जैसा कर रहे थे वैसे ही हुआ, खाली नया क्या आया है, बैलेंस शीट में कैपिटल आया। अगर दिया रहता और खाली इतना पूछा तो अपन इसको इग्नोर करते, अगर सिर्फ डिपार्टमेंटल अकाउंट बोला रहता
तो आप कैपिटल को क्या करते हैं, इग्नोर, वो सब बैलेंस शीट में जाने वाला चीज है, इग्नोर होता। बट अभी तो फाइनल अकाउंट है, कैपिटल बैलेंस शीट बनाया तो उसी में जाने वाला है। गुड, बराबर है। गुड, आगे क्या दिया है बेटा? आगे दिया है सैलरी, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में आता हूं, टू सैलरीज कितना दिया है? अभी इसे टोटल के कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए का, एक्स का, वाई का, जेड का कितना है बोला है क्या? नहीं। उसके बाद क्या है बाबा? सैलरीज के बाद रेंट एंड रेट्स कितना है? 5000। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू रेंट एंड रेट्स कितना है? 5000। अरे समझा, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है बाबा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 9000। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 9000। अरे बराबर, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा? असेट। कोई एडजस्टमेंट विडजस्टमेंट है क्या? नहीं, डायरेक्टली असेट साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 75000। ओके, आउटर कॉलम में डायरेक्टली 25000। उसके बाद क्या है? फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स कितना है? 10000। फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स असेट साइड पे। फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स कितना है? उसके बाद क्या है बाबा? कैश इन हैंड 5000, कैश एट बैंक 10000। ये भी आपका असेट ही है, असेट साइड पे। कैश इन हाथ में, कैश एट बैंक में। हाथ में है 5000, बैंक में है 10000। समझ रहा है आर्यन? आर्यन, उसके बाद क्या है? डेटर्स असेट है, कितना है? 25000। बाय डेटर्स 25000। कोनो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ये ले, बराबर। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना है? 44000। क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स 44000। समझ गया, पोस्टिंग डन है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें? भागो का श्री क्लियर है? भाग्यश्री, भाग्यश्री एडजस्टमेंट रीड करते हैं। एडजस्टमेंट में पहला है स्टॉक इन ट्रेड ऑन 31 दिसंबर, एक्स का, वाई का, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अब तक जब आ रहा था ये एडजस्टमेंट, अपन एक ही इफेक्ट दे रहे थे, इधर ट्रेडिंग अकाउंट है क्रेडिट साइड, पर आज तो बैलेंस शीट भी है, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर है? तो किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड पे। वेरी गुड। तो एक्स का है 35000, 25000, 20000। तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन कितना है? 35000, बराबर ना? 35000, 25000, 20000, टोटल 80000। इधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। स्टॉक इज योर असेट, स्टॉक कितना? 80000। डायरेक्टली एक्स वाई जेड दिखाने की जरूरत है? दिखा सकते हो, एक्स का, वाई का, जेड का, और टोटल आउटर कॉलम में तो भी चलेगा। समझा? डायरेक्ट भी चलेगा, इधर मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने टोटल किया। आप लोग के पास बहुत जगह है, बुक है आपके पास, ठीक है? तो आप लोग दिखा देना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। सैलरी टू बी एलोकेटेड 40%, 30%, 100% हो गया ना, मतलब 4:3:3 पकड़ो, या तो 40%, 30%, 30% तो भी चलेगा। सैलरी पे जाते हैं, सैलरी बाय 4:3:3। तो 25000 इंटू 40% करो 10000, 25000 इंटू 30% 7.5, 7.5 हो गया 25000। हाँ, रेंट में भी सेम परसेंटेज दिया है, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड इज सेम 40-30-30, बराबर। तो अब 5000 का 40% निकालो, 2000, 1500, 1500। समझा? समझा, चलिए ठीक है।
आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मतलब अपने को अभी सेल्स रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। 1,75,000 इधर रेशियो निकाल दो, 1,75,000:50,000 3,0, 3,0, 3,0 100, 75 सब 25 के टेबल में जाएगा, 25 2 जा 25 3 जा 25 4 जा। अगर ये छोटा नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, 100, 75, 50 तो भी चलेगा। समझाना, कैलकुलेटर है आपके पास, 4:3:2 7 और 2 9 हो गए, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 9,000 ही है, 4:3:2 तो 4,000, 3,000, 2,000 डन। और कुछ क्लोजिंग करना है, बैलेंस शीट टैली करना है। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। भाई कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड ही सब में ज्यादा लग रहा है, 1,35,000। अरे बराबर, यहाँ पे सेम लिख देता हूँ, 1,35,000। आर्यन समझा, 1,35,000 में 1,10,000 माइनस कर लेगा है, तो 25,000 बैलेंस आएगा, 25,000। अरे समझा, अब इधर बैलेंस आया तो इसे क्या कहते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अरे समझा, ये पक्का नेक्स्ट 1,01,00,000 में 85,000 माइनस करोगे, 15,000 आएगा, बराबर है? हाँ चलो ठीक है, 70,000। इधर तो 60 दिख रहा है, मतलब यही ज्यादा है, 70,000। यहाँ पे 70,000 बैलेंस आ जाएगा, 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल करते हैं कितना है, 3,05,000 बराबर, 3,05,000 माइनस करोगे आपको आ जाएगा 50,000। देखो 50,000 आ रहा है, इसका टोटल भी आ रहा है ना 50। इधर डेबिट है तो ये बाजू आएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, पहले वाले का 25, दूसरे वाले का 10, 15, 10 टोटल 50। यहां तक क्लियर? अभी एक एक करके ये भी क्लोज करते हैं। इसमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी सम आता है, तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करने का, ये तो आपको पिछले लेक्चर में बताया मैंने, उसके बाद वो बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए ठीक है, ये बाजू 25 और इधर है 10, 12, 6, 16,000 है, मतलब वही ज्यादा है, 25,000 माइनस करो 16 तो 9,000। अरे बराबर, चलो 15,000, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यही ज्यादा है, तो इधर आ जाएगा 15,000 12 माइनस किया 3,000 12 हुआ ना, ये तो 3,000 ही आएगा, 10,000 इधर ज्यादा है, 7, 8, 9, 10, 11,000 है, 10,000 है, मतलब ये ज्यादा हो गया इधर। अरे बराबर, सेम टोटल लिख लिया 11,000, तो यहाँ पे मुझे 1,000 का क्या आया, लॉस बाय नेट लॉस, ठीक है डैश डैश, तो इसका टोटल 1,000 आएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा ना। अरे समझा, चलिए अब इसका टोटल ज्यादा है, 51,000 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 12,000 आना चाहिए, 30 और 9, 12,000 आ रहा है ना, 9 और 3, 12 हुआ, तो इसे कहूंगा मैं 2 नेट प्रॉफिट 12
और नेट लॉस 1,000, इनडायरेक्टली मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 11,000 का। 12,000 का प्रॉफिट है, 1,000 लॉस है, तो अगर देखने जाओ तो मेरा प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 11,000। कैसे, दोनों डिपार्टमेंट को मिला के 12,000 का प्रॉफिट और इस डिपार्टमेंट 1,000 का लॉस, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 11। और नहीं समझा तो कोई नहीं, प्रॉफिट आया 12,000, कैपिटल में ऐड करूंगा, ऐड नेट प्रॉफिट कितना, 12,000। सर एक डिपार्टमेंट का लॉस आया है, माइनस नेट लॉस कितना, 1,000। ऐसा भी चलेगा, या तो डायरेक्टली 11,000 प्रॉफिट दिखा दो, 1,11,000 हो जाएगा ये, बराबर 1,11,000 प्लस 44,000 करो, 1,55,000। अरे हाँ चलो उस बाजू का चेक करते, 25 प्लस 10 प्लस 5 40, 50, 50 और 80 31 और 25 बराबर है 155। समझा बैलेंस शीट वाला सम कैसे करते। हाँ अभी और थोड़ा सा अपन इसके अंदर डालेंगे और फाइनल अकाउंट एक दो टच लूंगा और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम लूंगा, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। टॉपिक तो बड़ा ही रहेगा ना बेटा, अभी तुम लोग भी तो बड़े हुए, 12 से 13 में आगे एक साल तो बड़े हो गए ना, तो ऐसा होता है, एक साल में एक जितना बढ़ जाता है। आज इतना ही करते हैं, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।